नमस्कार रेसिपी मात्रा में आप सबका स्वागत है आज मैं बनाने वाली हूँ तरबूज का शरबत तरबूज तो हम गर्मी में अक्सर खाते हैं क्योंकि तरबूज में काफी मात्रा में पानी होता है और गर्मी के दिन में वैसे भी हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो एक बार आप इसका शरबत बना के पीछेगा आपको ये बहुत पसंद आएगा और ये बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है तो चलते हैं आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक करें और हाँ आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें तरबूज का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा तरबूज। तो यहां पे मैंने लिया है डेढ़ किलो तरबूज तरबूज को मैंने छील के काट लिया है और एक पीस में आपको काट के दिखा देती हूं तरबूज को पहले आप इस प्रकार से थोड़े बड़े पीस में काट लें उसके बाद इस प्रकार से इसे काट लें और इसका जो ये ग्रीन वाला हिस्सा होता है उसे आप हटा दें और इसे आप फेंके नहीं इसका बहुत ही अच्छा हलवा बनता है अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो के लास्ट में डाल दिया है वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं अब आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से काट लें ताकि जब आप इसे मिक्सी में ग्राइंड करें तो ये इसके बड़े पीसेस ना रहे और ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए अब आप मिक्सी का जार ले लें और जो हमने तरबूज को काट के रखा था वो जार में डाल देंगे गर्मी के मौसम में अक्सर हम ढेर सारे वैरायटी के जूस बना के पीते हैं तरबूज का जूस जरूर ट्राई कीजिएगा ये ठंड गर्मी में हमें बहुत ठंडक देता है हमारे पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है अब आपको इसमें डालना होगा चीनी तो यहाँ पे मैंने लगभग दो चम्मच चीनी डाल लिया है चीनी आप अपने मीठे के अनुसार रख सकते हैं जितना आप मीठा पीना पसंद करते हैं साथ ही साथ आपको इसमें डालना है एक चम्मच काला नमक और यहाँ पे मैंने लिया है ताजा पुदीने के पत्ते और मैंने अपने घर में पुदीने लगा रखे हैं और अभी मैं ये पत्ते तोड़ के लाई हूँ ताजा पत्ते जब आप डाल के जूस बनाएंगे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट लाजवाब तो दो चार पत्ते आप इसमें बचा लें ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए अब आप जार का ढक्कन लगा दें और बिना पानी डाले इसे पीस लें तरबूज का शरबत बनाते समय इसके बीज हमें निकालने की जरूरत नहीं है बिना बीज निकाले आप इसे पीस लें अब हम क्या करेंगे कि इसे छान लेंगे अब आप कोई एक बड़ा बाउल ले लें या कोई बड़ा बर्तन ले लें उसके ऊपर इस प्रकार से एक छन्नी रखें और जो हमने जूस को पीस के रखा था उसे डाल दें जब आप इसे छान लेंगे तो जो बीज होंगे या तरबूज के थोड़े बहुत बड़े टुकड़े रह गए होंगे तो वो छन के अलग हो जाएंगे इसमें और एक नींबू लिया है मैंने नींबू को भी मैं इसी में निचोड़ निचोड़ दूंगी ताकि नींबू का जो बीज होगा वो ऊपर छन के अलग हो जाएगा और जूस हमारे शरबत में चला जाएगा और एक चम्मच ले लें इस प्रकार से आप इसे छान लें अगर आज की इस रेसिपी को बनाते समय आपको कोई भी समस्या आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दे सकूँ और ये देखिए शरबत हमारा छन के अलग हो गया थोड़े बहुत इसमें जो बीज थे वो छन के अलग हो गए हैं तो इसे आप आप फेंक दें और ये हमारा शरबत तैयार है सर्व करने के लिए अगर आप इसे ठंडा करके पीना चाहते हैं तो आप इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद सर्व करें तो चलते हैं अब इसे सर्व करने के लिए आप इस जूस की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आज की यह रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें ज्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अब हम इसके ऊपर पुदीना के पत्ते रख देंगे देखिए तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और हाँ एक बात और कि आप इसमें बर्फ का इस्तेमाल ना करें अगर आप इसमें बर्फ डालेंगे तो ये जो जूस है एक तो पतला हो जाएगा दूसरा कि इसके टेस्ट में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा तो अगर आप इसे ठंडा पीना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लें मैं चलती हूँ इस शरबत को इंजॉय करने अपने परिवार के साथ मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में तब तक के लिए बाय बाय